आगे संसार में तो वही अपना मूड देख लो क्यों खराब करें पहले डिसाइड कर लो कैसे क्या मूड की तो बात नहीं है मैंने देखा हूँ कि मैं अपने तरह का काम करना चाहिए चीज यह है कि जो खाना मिल रहा वैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तो क्या आपकी बात चाहे जिसको बुला लो चाहे संजीव पटेल को बुला लो Thank you.
गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, सबको मेरा गुड आफ्टरनून बेटा। बेटे आज का टॉपिक भी बड़ा अच्छा है, आप कहोगे मैं कहता हूँ सभी टॉपिक अच्छे हैं, बात तो कैसा ही है, और मेडिसिन में कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो अच्छा ना हो। तो आज का टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल, बाउल की स्पेलिंग है BOWEL, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। Inflammatory bowel disease contains inflammatory bowel disease include or contain several conditions, contain several conditions, but the most important are, but the most important are, सबसे important इसमें दो आती हैं, one is ulcerative colitis and second is Crohn's disease. Ulcerative colitis, ulcer, ulceratiive, ulcerative colitis, ulcerative. हेलो सर, हेलो सर, आपकी आवाज धीरी आ रही है। अच्छा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कई तरीके की होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो ही हैं। पहला कौन सा है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब देखो आवाज सही आ रही है सर? अभी वैसे ही है, अभी भी वैसे ही है, बहुत कम आ रही है। हेलो सर, सही आ रही है सर। शाहीन तुम्हारे में प्रॉब्लम होगा कोई? अच्छा, मेरी तरफ नेटवर्क इशू है क्या? हाँ हो सकता है। हाँ यार, तो हो सकता है मेरे तरफ बहुत धीरे आ गई। चलो कोई नहीं सर। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इंक्लूड मेनी कंडीशंस, बट द इम्पोर्टेंट वंस आर टू, वन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सेकंड इज क्रॉन्स डिजीज। सेकंड मैंने देखो पंखा भी बड़ा, फैन भी बड़ा स्लो कर दिया है सर। वो मेरे साइड से कुछ नेटवर्क इशू होगा शायद। नहीं नहीं मैंने फैन सिर्फ एक नंबर पे कर दिया, हमने कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, वो मतलब वो आवाज फैन का नहीं था, मतलब आवाज थोड़ी स्लो इंटेंसिटी में आ रही। और तेज बोलूंगा। सेकंड इज क्रॉन्स डिजीज, क्रॉन्स, CRONHNS, CRONHNS, क्रॉन्स डिजीज। Other uncommon inflammatory bowel disease are, other uncommon inflammatory bowel disease are
इसमें तीन आती हैं। पहला कौन सा है? माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, माइक्रोस्कोपिक अल्सरेटिव कोलाइटिस। सेकंड इज, पहला कौन सा? माइक्रोस्कोपिक अल्सरेटिव कोलाइटिस। सेकंड, माइक्रोस्कोपिक लिम्फोसिटिक कोलाइटिस, माइक्रोस्कोपिक लिम्फोसिटिक कोलाइटिस। एंड थर्ड इज माइक्रोस्कोपिक कोलेजिनस कोलाइटिस, माइक्रोस्कोपिक कोलेजिनस कोलाइटिस। तो अदर अनकॉमन इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज कौन सी हैं? माइक्रोस्कोपिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, सेकंड माइक्रोस्कोपिक लिम्फोसिटिक कोलाइटिस, और थर्ड कौन सी है? माइक्रोस्कोपिक कोलेजिनस कोलाइटिस। तो सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लेंगे इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज में? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब ये क्या चीज हो रही है? देखो नाम से पता चल रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर होते होंगे जरूर, और कहाँ पर होते हैं? कोलाइटिस कह रहा है ये, कहाँ पर होंगे? कोलन में होंगे। और जब अल्सर अल्सर होंगे कोलन में, तो स्वाभाविक सी बात है, कभी भूल जाओ तो मैं बड़ा इजी आपको बता दे रहा हूँ मैं, इसमें क्या होगा? नेचुरली जब अल्सर होगा तो पेन भी होगा, और स्टूल में क्या होगा? म्यूकस आएगा और ब्लड ब्लडी स्टूल आएगा, उससे ब्लड भी आएगा। और कॉजेज इसके कई सारे, कुछ एक तो एडियोपैथिक का कुछ पता ही नहीं होता है, और दूसरा कुछ ये नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा जिन लोगों की एंग्जाइटी होती है उनके ये प्रॉब्लम हो सकती है, और तीसरा ये ऑटो इम्यून डिजीज भी है। तो खास कोई ऐसा एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है जिसको दे दें और अल्सरेटिव कोलाइटिस सही हो जाए। ट्रीटमेंट हमारा क्या? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे रहता है इसका। सो अल्सरेटिव मैंने थोड़ा ऐसे ही आपको समरी थोड़ा सा बता दिया है। सो रिगार्डिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। Ulcerative colitis is an inflammatory disease affecting mainly the large intestine, affecting mainly the large intestine, characterized clinically by recurrence attack of bloody diarrhea, ऐसा डायरिया जिसमें ब्लड ही ब्लड आता हो। सो क्लिनिकली बाय रिकरेंट मैंने बार बार अटैक्स ऑफ रिकरेंट्स अटैक ऑफ ब्लडी BLODY ब्लडी डायरिया, एंड पैथोलॉजिकली बाय डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉलोनिक म्यूकोसा, and pathologically by diffuse inflammation of colonic mucosa. Disease, अब इसी में और लिखिए ulcerative colitis की definition में, disease extent can be broadly divided into distal and more extensive disease. Disease extent can be broadly divided into distal and more extensive disease. अब distal disease किसे कहते हैं? डिस्टल मैंने दूर का। डिस्टल डिजीज रेफर्स टू कोलाइटिस
Distal disease refers to colitis confined to the rectum. अब जब रेक्टम में कोलाइटिस होगा तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्टाइटिस. क्या बोलेंगे उसको? प्रोक्टाइटिस. PROCTITIS. प्रोक्टाइटिस. फिर सुन लीजिए, प्रोक्टाइटिस. PROCTITIS. प्रोक्टाइटिस. सो डिस्टल डिजीज रेफर्स टू कोलाइटिस कन्फाइंड टू द रेक्टम. क्या कहेंगे उसको? प्रोक्टाइटिस. और रेक्टम भी हो सकता है इन्वॉल्व, सिग्मॉइड कोलन भी हो सकता है. और रेक्टम एंड सिग्मॉइड कोलन तब इसको क्या बोलेंगे? प्रोक्टो सिग्मॉइड 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 आइटिस. दोनों का नाम हमने ऐड कर दिया, रेक्टम का ऐड भी कर दिया और सिग्मॉइड कोलन का भी नाम ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? प्रोक्टो सिग्मॉइड सिग्मॉइड आइटिस. प्रोक्टो सिग्मॉइड आइटिस. अब मोर एक्सटेंसिव डिजीज में क्या आता है? मोर एक्सटेंसिव डिजीज इंक्लूड लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस अप टू द स्प्लीनिक फ्लेक्सर. बेटे स्प्लीनिक फ्लेक्सर, अब मेरे को एक छोटी सी चीज आपको बतानी है और पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा. लास्ट मैंने फिजियोलॉजी में जब आप फर्स्ट टाइम रहते आपको बताया था लार्ज इंटेस्टाइन के 9 पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, है ना? तो कृपा करके मेरे को एक एक पार्ट का नाम बताओ. फर्स्ट कौन सा होगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन कहां से शुरू होगा? फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया? सीकम. सीकम, गुड. सेकंड पार्ट? असेंडिंग कोलन. कोलन हो गया. आप ये बताओ सीकम से जुड़ा असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, बताओ ना. सीकम से और जहां इलियम जुड़ते हैं वहां पर भी कुछ होता है? इलियोसीकल वॉल है. इलियोसीकल वॉल नहीं, नहीं, जहाँ सीकम और इलियम से जुड़ते हैं वहां पर कोई छोटा सा पार्ट होता है? अपेंडिक्स. तो तीसरा पार्ट कौन सा हो गया? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हो गया. चौथा पार्ट कौन सा हुआ? ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग वर्ड ट्रांसवर्स कोलोन आएगा. नहीं नहीं, और फोर्थ बोलो. ट्रांसवर्स अभी नहीं आएगा. फोर्थ कौन सा हुआ? अभी आप लोगों ने बताया था, अभी आप लोग. इलियोसिकल वॉल. इलियोसिकल वॉल नहीं बेटे, सीकम के ऊपर क्या होगा? ऐसे सीकम असेंडिंग कोलोन. असेंडिंग कोलोन, हाँ. चौथा पार्ट कौन सा हो गया? असेंडिंग कोलोन. असेंडिंग, जब असेंडिंग कोलोन है ना ऐसे मुड़ेगा तो उस कर्व को क्या बोलते हैं? सर वो कोलिक फ्लेक्सर है. कोलिक फ्लेक्सर, हाँ. एक तो कोलिक फ्लेक्सर बोलते हैं, दूसरे ने क्या कहा? दूसरा नहीं पता. नहीं नहीं, के दूसरा नाम क्या पता था भी आपने? राइट कोलिक फ्लेक्सर होगा और लेफ्ट कोलिक मुड़ गया तो उस फ्लेक्सर का क्या नाम होगा? लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर.
यहाँ पर कौन सा होता है, स्प्लीन होता है लेफ्ट साइड में, क्या नाम होता है स्प्लीनोपोलिक फ्लेक्सर। हाँ लेफ्ट स्प्लीनिक फ्लेक्सर, अब देखो भूलोगे नहीं, अब लेफ्ट स्प्लीनिक फ्लेक्सर क्या करता आगे नीचे आएगा ना। हाँ सर डिसेंडिंग कोलन में आएगा। डिसेंडिंग कोलन हो गया, फिर डिसेंडिंग कोलन आगे क्या करेगा, क्या बनाएगा, रेक्टम बनेगा। रेक्टम आगे क्या होगा, एनस सिग्मोइड कोलन। रेक्टम के आगे क्या होगा बेटे, सिग्मोइड कोलन। और सिग्मोइड कोलन के आगे होगा एनस, विच इज गार्डेड बाय टू स्फिंक्टर। तो नाइन पार्ट्स होते हैं बेटे लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखना। पहले कौन सा हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीकम, सीकम हो गया पहला, सेकंड हो गया अपेंडिक्स हो गया, और थर्ड कौन सा हो गया, असेंडिंग कोलन हो गया, और फोर्थ हो गया राइट हेपेटिक फ्लेक्सर हो गया, पांचवा हो गया ट्रांसवर्स कोलन हो गया, सिक्स्थ हो गया लेफ्ट स्प्लीनिक फ्लेक्सर हो गया, और नेक्स्ट हो गया डिसेंडिंग कोलन हो गया, फिर सिग्मोइड कोलन हो गया, सॉरी रेक्टम हो गया, फिर सिग्मोइड कोलन हो गया, फिर अपना एनस। नाइन पार्ट्स होते हैं बेटे लार्ज इंटेस्टाइन, भूलना नहीं। सो मोर एक्सटेंसिव डिजीज इंक्लूड लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस अप टू द स्प्लीनिक फ्लेक्सर, अप टू द स्प्लीनिक फ्लेक्सर, फिर लिखे एक्सटेंसिव कोलाइटिस, extensive colitis up to the hepatic flexure and pancolitis, pancolitis pan colitis colitis pancolitis affecting the whole colon। pancolitis में क्या होगा, पूरा colon ही involved हो जाता है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, एटियोलॉजी मीन्स कॉजेस, एटियोलॉजी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। काफी लंबी जोड़ी एटियोलॉजीज की हैं। फर्स्ट वन इज फैमिलियल और जेनेटिक, फर्स्ट वन इज फैमिलियल, फैमिलियल और दूसरा जेनेटिक। अब फैमिलियर और जेनेटिक में दो कारण आते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, पहला पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, और दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है अकरेंस इन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, अकरेंस इन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, ये हो गया फैमिलियर और जेनेटिक। सेकेंड आ जाता है इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, किस किस में, द पॉसिबल पैथोजेंस इंक्लूड, द पॉसिबल पैथोजन इंक्लूड्स फर्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम, पहला कौन सा हो गया माइकोबैक्टीरियम, सेकेंड मीजल्स वायरस, थर्ड लिस्टीरिया LISTERIA, लिस्टीरिया, मोनोसाइटोजेन, नेक्स्ट ईस्ट YEST, ईस्ट, लिस्टीरिया स्पेलिंग LISTERIA, लिस्टीरिया, मोनोसाइटोजेंस, मोनो MONO, मोनो साइटो CYTOGENES, मोनोसाइटोजेंस ईस्ट, देन एंडोजीनस बैक्टीरिया में दो तरीके के आते हैं, वन इज बैक्टीरियोआइड्स, बी ए सी टी ई आर ओ
आई यस बैक्टीरियो आइस और दूसरा है ई कोलाय, सेकेंड इज ई कोलाय। तो इटियोलॉजी में पहला हो गया कारण फैमिलियल और जेनेटिक हो गया, दूसरा हो गया इन्फेक्शन हो गया, तीसरा हो गया डाइटरी फैक्टर्स, कुछ डाइट की वजह से ऐसी डाइट हो जाते हैं जिससे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। अब डाइटरी फैक्टर्स क्या हैं? डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। एक चीज बताएं बेटे आपको, एक अंग्रेजी में कहावत है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम लोगों में ना एक छोटी सी कमी है, कमी क्या मतलब, हम लोग हमेशा अपनी क्वालिटीज तो देखते नहीं हैं, सिर्फ कमियां ही कमियां गिनाते हैं। तो कमी क्या है कि बॉडी में अगर कोई चीज डेफिशिएंट हो गई, मान लो किसी ने कहते कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम कम है, तो इतना कैल्शियम खाएंगे सारे कैल्शियम ही खाते रहेंगे, है ना। और ज्यादा कैल्शियम खाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा पता है आपको? ज्यादा कैल्शियम लेने से क्या दिक्कत आएगी? किडनी स्टोन बन जाएगा। जरा सा वीकनेस हुई, आप जाके मार्केट में जाते हैं, टॉनिक ले आते हैं। अब टॉनिक के अंदर क्या है? विटामिन सर। अब कोई ऐसा विटामिन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट देखो ना हो, है ना। विटामिन सी ज्यादा खाओगे क्या होगा? ये भी स्टोन बनाता है, ये भी नुकसानदायक है। तो किसी भी चीज की हमें एक्सेस नहीं करनी चाहिए, लिमिट में। आप सब कुछ खाओ लेकिन लिमिट में खाइए, लिमिट में खाएंगे कभी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको फैट लेना है, नॉन वेज लेना है, एक नियम बना दो जितने नॉन वेजिटेरियन है कि हफ्ते में एक बार या दो बार लेना, इससे ज्यादा ना। अब ये नहीं कि मतलब रोजाना ही मतलब नॉन वेज खा रहे हैं, और हरी सब्जी खानी है तो ठीक है, उसका भी एक तरीका रखो, अपना लिमिट में खाइए। पता चला हरी सब्जी खा रहे हैं, प्रोटीन खा, दाल खा ही नहीं रहे, प्रोटीन नहीं ले रहे। तो हर चीज हमें एक लिमिट में सब करना चाहिए। सो डाइटरी डेफिशिएंसी, डाइटरी फैक्टर्स, डेफिशिएंसी हो या एक्सेस हो, सो डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक ब्यूट्रिक एसिड BUTYRIC, ब्यूट्रिक एसिड। दूसरा हो गया सल्फाइड्स। तीसरा हो गया न्यूट्रिएंट है L-arginine, कैपिटल L-arginine, ARGININE, L-arginine। एंड लास्ट इज ग्लूटामिन, GLUTAMINE। द नेक्स्ट इटियोलॉजी इज स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या होता है? पेशेंट्स विद क्रॉन डिजीज, अगर कोई पेशेंट क्रॉन डिजीज से सफर कर रहा है, उसमें अधिकतर चांसेस होते हैं कि वो स्मोकिंग ज्यादा करता होगा। सो पेशेंट्स विद क्रॉन डिजीज, क्रॉन की स्पेलिंग है CRONHNS, पेशेंट विद क्रॉन डिजीज आर मोर लाइकली टू बी स्मोकर। एंड स्मोकिंग इस बीमारी को बढ़ा देती है। एंड स्मोकिंग कैन एक्सेसर्बेट इट, एक्सेसर्बेट इट। देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इन नॉन स्मोकर्स। ये तो अलग हो गया, यानी जितने सिगरेट नहीं पीते हैं उनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के
होने के चांसेस अधिक रहते हैं। इसका लाभ आदमी सिगरेट पीने लगे तो तरीका वो यही तो हुआ इसका। सो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इन नॉन स्मोकर्स। तो हर तरफ किसी चीज का फायदा भी है तो किसी तरफ उसका नुकसान भी है। एंड नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल में क्या लिखेंगे आप? करेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी। करेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी, ऐसे पेशेंट्स हर समय एंग्जाइटी में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो अलग पर्सनैलिटी की होती है करेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी। एंड मेजर साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, एंड मेजर साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस आर रिलेटेड टू फ्लेयर अप एंड प्रिसिपिटेशन ऑफ सिम्टम्स। टू फ्लेयर अप, पता चला किसी पेशेंट का अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो एंग्जाइटी में आ गया, या कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ, कोई टेंशन हुई, उससे क्या होगा, उसकी बीमारी क्या होगी, एक्सेजरेट कर जाएगी, बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट इटियोलॉजी इज डिफेक्टिव इम्यून रेगुलेशन। मैनी इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, मैनी इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज विच इंक्लूड स्टिमुलेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, विच इंक्लूड स्टिमुलेशन ऑफ मैक्रोफेजेस लीडिंग टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस, लीडिंग टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस। अब इसमें साइटोकाइंस कौन सा आता है, राइट डाउन, इंटरल्यूकिन 1, दूसरा लिखो इंटरल्यूकिन 6, एंड थर्ड राइट डाउन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एल्फा। So there is also activation of other cells. There is also activation of other cells like eosinophils, mast cells, and fibroblasts. Then is pathology of ulcerative colitis. अब इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा पैथोलॉजी में। प्राइमरी इट इन्वॉल्व्स द कॉलोनिक म्यूकोजा। सेकेंड, mucosal involvement is uniform and continuous with no intervening area of normal mucosa. Next point, rectum is involved in 95% of cases. इसको क्या कहते हैं? Proctitis, PROCTITIS, proctitis.
from the rectum, the disease extends proximally. From the rectum, the disease extends proximally into the colon in a continuous fashion. Into the colon in a continuous fashion. Fashion, F-A-S-H-I-O-N. Next. Macroscopically, mucosa appears hyperemic. Hyperemic एकदम रेड से दिखाई देती है. Macroscopically, the mucosa appears hyperemic. Hyper, H-Y-P-E-R, hyperemic, A-E-A-E-M-I-C. So macroscopically, the mucosa appears hyperemic. Hemorrhagic. और अल्सरेटेड नेकेड आई से अगर देखा जाए म्यूकोसा को अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैसा दिखाई देगी एकदम रेड दिखाई देगी उसमें हेमरेजिक थोड़े ब्लड के स्पॉट्स भी दिखाई दे सकते हैं है ना और अल्सर भी दिखाई दे सकते हैं सो मैक्रोस्कोपिकली द म्यूकोसा अपीयर्स हाइपरेमिक हेमरेजिक और अल्सरेटेड Ulcer do not extend deeper beyond the submucosa. Ulcer do not extend deeper beyond the submucosa. Deeper beyond the submucosa. Pseudo polyps, pseudo, P-S, P-S-E-U-D-O, polyp, P-O-L-Y-P-S, polyp, pseudo polyps are regenerating islands of mucosa, pseudo polyps, polyp मैंने छोटे छोटे skin tag, pseudo polyps are regenerating islands of mucosa, अब म्यूकोजा इंटेस्टाइन के अंदर स्किन तो नहीं होती है तो म्यूकोजल जैसे स्किन में आपने देखा होगा कहीं कहीं छोटे छोटे स्किन टैग्स होते हैं तो इंटेस्टाइन के अंदर स्किन की जगह क्या होगा म्यूकोजा हो गया तो उसी के थोड़े ऊपरे ऊपरे पोर्शन होते हैं तो क्या कहते हैं पॉलिप सो स्यूडो पॉलिप्स आर रीजेनेटिक आइसलैंड्स ऑफ म्यूकोजा are regenerating islands of mucosa surrounded by areas of ulceration surrounded by areas of ulceration and denuded mucosa and denuded 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 mucosa they protrude into the lumen of the colon they protrude into the lumen of colon like polyps p-o-l-p-o-l-y-p-s बट एक मिनट का टाइम दो
देन इन पैथोलॉजी राइट डाउन माइक्रोस्कोपिकली द लेमिना प्रोप्रिया लेमिना LAMINA लेमिना प्रोप्रिया PROPRIA माइक्रोस्कोपिकली द लेमिना प्रोप्रिया इज इनफिल्ट्रेटेड विद लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल माइक्रोस्कोपिकली द लेमिना प्रोप्रिया इज इनफिल्ट्रेटेड विद is infiltrated with lymphocytes and plasma cells. There is a loss of goblet cells also. Next point. Crypt's abscess, crypt, CRYPTS. Crypt's abscesses are characteristic with infiltration of crypts with neutrophils. Next, in toxic megacolon, the transverse colon is dilated. In toxic megacolon, transverse colon is dilated. Walls are thin, mucosa denuded, D-E-N-U-D-E-D, denuded, and inflammation extends to serosa. It may rupture later on. In the chronic variety, there is fibrosis and shorting of the colon. In the chronic variety, there is fibrosis and shortening of the colon with loss of normal haustral pattern. HAUSTRL, haustral pattern. The surface epithelium may show features of dysplasia. Dysplasia, DYSPLASIA, dysplasia. Next is clinical features. क्या ulcerative colitis में clinical features क्या होते हैं? So in clinical features, general features क्या होते हैं? Severity of symptoms
reflect the extent of colonic involvement. Severity of symptoms reflects the extent of colonic involvement and the intensity of inflammation. Second point, exacerbation and remission are characteristic. Exacerbation, exacerbation, exacerbations and remission, remission, exacerbation and remission are characteristic. Third feature, bloody diarrhea. Bloody, BLOODY, bloody diarrhea with mucus and pus. डायरिया कैसा होगा? उसमें ब्लड होगा, म्यूकस भी हो सकता है और पस भी हो सकता है. थर्ड, एब्डोमिनल पेन स्पेशली लोअर एब्डोमिनल, पेट में दर्द होगी, नाभि से नीचे होगी, लोअर एब्डोमिनल. नेक्स्ट, फीवर, वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. क्या बोलते हैं उसको? एनोरेक्सिया. नेक्स्ट, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड एनीमिया. सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड एनीमिया. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन. नेक्स्ट, टेंडरनेस ऑन पाल्पेशन ओवर द कोलन. Tenderness on palpation over the colon, especially in the left iliac fossa. Next, relapses are associated with emotional stress. Intercurrent infections, and use of antibiotics. Relapses are associated with emotional stresses, intercurrent infections, and use of antibiotics. Next, incidence of carcinoma of the colon is high, especially in cases of total colitis duration more than 10 years and early age of onset. अब acute variety में clinical features क्या होते हैं? Acute variety में अलग होते हैं, chronic variety में अलग होते हैं. In acute variety, इसमें पॉइंट वाइज लिख लीजिए क्लिनिकल फीचर.
डिजीज इन्वॉल्व्स द एंटायर कोलन. डिजीज इन्वॉल्व्स द एंटायर कोलन. सीवर सिस्टमिक सिम्टम्स. सीवर सिस्टमिक सिम्टम्स लाइक सीवर सिस्टमिक सिम्टम्स लाइक फीवर, वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपिटाइट. फीवर, वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपिटाइट. नेक्स्ट, एग्जॉस्टिंग डायरिया एंड डिहाइड्रेशन. एग्जॉस्टिंग डायरिया एंड डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट, टेकिकार्डिया एंड पोस्टुरल हाइपोटेंशन. टेकिकार्डिया एंड पोस्टुरल हाइपोटेंशन. बेटे एक इसमें देखो मैंने टर्म यूज करी है पोस्टुरल हाइपोटेंशन. ये पोस्टुरल हाइपोटेंशन क्या होता है पता है आपको, जानते हो कि नहीं? हाँ नाम है बताना. और जिसको आता हूँ yes, सर बताओ सर, जब पेशेंट सर जब खड़ा होता है तो सर उसका बीपी लो हो जाता है. हाँ गुड, वेरी नाइस. पोस्टुरल यानी जब भी देखो पोस्टुरल हाइपोटेंशन ये फिजियोलॉजिकल भी होता है, ये हमेशा किसी डिजीज में ही होता है, पैथोलॉजिकल ही होता है. कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें फिजियोलॉजिकली हाइपोटेंशन यानी कभी कभी सबके साथ ऐसी स्थिति आती हो, सोच बड़ा सबके साथ होता है. दिमाग लगाओ थोड़ा. पहले अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो बेटे मैंने नॉर्मल कंडीशन बताई बेटे. नॉर्मल वाली सर. हाँ शाही नॉर्मल वाली बेटे बताए देखो, जैसे आप सुबह सो के उठते हो या मान लो दिन में सो रहे हो ना, ये सबके साथ हो जाता है. तो गहरी नींद में सो रहे हो बेटे और एकदम बेटे कोई आपके घर में बेल बजा देता है, कोई आता है. और जब भी कोई बेल बजाता है उसकी इच्छा होती है एक सेकंड में आप कूद के वहां पहुंच जाए. उसको ये नहीं पता आप सो रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या करें, उसको इससे लेना देना नहीं. बस आप दरवाजे खोल दो फटक तुरंत विद इन अ सेकेंड. अच्छा मान लीजिए आप सो रहे हैं और एकदम आप झटके के साथ उठे, भाग खड़े हुए हैं दरवाजा खोल लें, उस समय क्या होगा? पोस्टुरल हाइपोटेंशन होगा ना. आप उठे अचानक उठ गए, मैक्सिमम ब्लड का पूलिंग कहाँ पर हो गया? लेग्स में हो गया. ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिली है ना, तो उस कंडीशन में क्या आएगा बोलो? चक्कर. चक्कर आएंगे ना. और तो ब्लड प्रेशर लो हुआ उस समय, तो इसको बोलते हैं पोस्टुरल हाइपोटेंशन. अब इसका तरीका क्या है, जब भी आप सो रहे हो आप उठते हैं, भले कितना कोई बेल बजा रहा है या कोई भी वर्क है, आप कुछ सेकेंड्स के लिए पहले बैठो फिर पैर लटकाइए उसके बाद चलो. कभी कभी आप लोगों ने सब ने महसूस किया होगा अचानक कभी कभी भाग खड़े होते हैं तो बड़ी जोर से चक्कर आता है. हुआ बेटे नहीं हुआ आप लोगों के साथ? एकदम सही बोलना. कभी कभी रियली कभी कभी हो जाता ना बोलो साक्षी. यस सर होता है. आपके साथ हुआ साक्षी? अच्छा तो उमा ने बताया. हाँ आप बताओ. yes, और ये अमिल आप बताओ, अमिल आपके साथ हुआ कभी? नो सर. हाँ जैसे तुम बहुत मजबूत हो यार.
वैसे अधिकतर हो जाता है बेटे, अभी नहीं हो रहा, चलो फिर बुढ़े हो जाओगे, हमारी उम्र पहुंचोगे तो शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब फिजियोलॉजिकल भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, पोस्चरल हाइपोटेंशन। सो टेकिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया जानते ही हो, इंक्रीज हार्ट रेट को क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया एंड पोस्चरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट इज टेनिसमस, टेनिसमस, TENESMUS, टेनिसमस। और क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन एंड लेफ्ट इलेक फोसा टेंडरनेस। टेंडरनेस किसे कहते हैं, पेनफुल। लेफ्ट इलेक फोसा में अगर हल्का सा हाथ से दबाएंगे तो क्या होगा, पेन सा होगा। एंड लेफ्ट इलेक फोसा, फोसा एफ ओ डबल एस फोसा, टेंडरनेस ड्यू टू सीरोसल इन्वॉल्वमेंट, ड्यू टू सीरोसल, एस ई आर ओ एस एल, सीरोसल इन्वॉल्वमेंट। तो ये रहा एक्यूट वेराइटी। एक्यूट वेराइटी के बाद नेक्स्ट वेराइटी आती है क्रॉनिक वेराइटी। क्रॉनिक वेराइटी में क्या होता है, बॉल इज परमानेंटली डैमेज्ड बाय फाइब्रोसिस। बॉल इज परमानेंटली डैमेज्ड बाय फाइब्रोसिस। कोलन बिहेव एज, कोलन बिहेव एज रिजिड ट्यूब, रिजिड RIGID, कोलन बिहेव एज रिजिड ट्यूब इनकैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग फ्लूइड्स, इनकैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग फ्लूइड्स, एक्टिंग लाइक अ फीकल रिजर्वर, एक्टिंग लाइक अ फीकल रिजर्वर, रिजर्वर RESERVOIR। और इसका फीचर क्या था, नो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन और टॉक्सिमिया, नो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन और टॉक्सिमिया। एंड लास्ट इज पेशेंट लिव्स इन क्रॉनिक इल हेल्थ, पेशेंट लिव्स इन क्रॉनिक इल हेल्थ विथ क्रॉनिक डायरिया। तो बेटे इसको मैं यहीं तक रखता हूँ और बाकी कल लेंगे इसको, कल क्लास अपना वही 2 बजे लेंगे बेटे, 2। ओके बेटे, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहिए, 2 बजे टाइम मेंशन कर देना कल। जी सर, बाय बेटे, थैंक यू सर, बाय बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहिए, थैंक यू सर, वेलकम बेटे।